मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज का मेरा टॉपिक है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। आज के समय में समाजीकरण की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हम समाजीकरण को जानने का प्रयत्न करेंगे। समाजीकरण क्या है? सबसे पहले समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। सीखना क्या? सीखना, मनुष्य सीखने का स्वभाव लेकर पैदा होता है और इसीलिए वो इसके द्वारा अपने आप को जो समाज के तौर तरीके हैं, मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनको सीखने का प्रयास करता है। तो क्या सीखेगा वो? समाजीकरण प्रक्रिया मीन्स निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज की मानदंडों, मूल्यों और तौर तरीकों आदि को सीखता है। अब जब उसका जन्म होता है तो ना तो वो सामाजिक है, ना असामाजिक और ना समाज विरोधी। फिर हमारे सामने प्रश्न है कि तो फिर वो क्या होता है? जो जब उसका जन्म होता है तब वो सिर्फ हाड़ मांस का एक पुतला है और वो कैसा है? सामाजिकता के प्रति तटस्थ प्राणी है। जैसा हम उसे बनाना चाहेंगे, जैसा हम उसका निर्माण करेंगे, वैसा ही वो बनेगा। तो उस समय वो क्या है? जन्म के समय वो क्या है? जैविकीय प्राणी। और उस जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया समाजीकरण है। समझ में आ रहा है? जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया समाजीकरण है। अर्थात जन्म के समय जो वो हाड़ मांस का पुतला है, उसको हम समाज में रहकर, व्यक्तियों के संपर्क में आकर, जो वो तौर तरीके सीखता है, बैठना, उठना, चलना, कार्य करना आदि, जो कुछ भी वो सीखता है, वो किससे सीखेगा? मनुष्य के संपर्क में आने के बाद ही सीखेगा। तो मनुष्य के संपर्क में जब वो आता है तो उस संपर्क में आने के बाद वो जो कुछ भी सीखता है, उसे कैसे बैठना है, दूसरों के साथ कैसे आचरण करना है, उसे किस तरीके का व्यवहार करना है, कहाँ किस स्थान पर उसे कैसा आचरण करना चाहिए, ये सब समाजीकरण के द्वारा सिखाया जाता है। इसलिए समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे कि किन कौन कौन चीज़ें, कौन कौन से अभिकरण हैं, कौन सी संस्थाएं जो समाजीकरण करती हैं। प्रमुख रूप में दो तरीके के हमारे पास, पूरे जीवन में दो तरीके हैं। कुछ को हम प्राथमिक कहते हैं और कुछ को हम द्वितीयक कहते हैं। तो अब प्राथमिक में क्या क्या है? परिवार है, क्रीड़ा समूह है, पड़ोस है और नातेदारी है और विवाह है। और इधर अब द्वितीयक पर आते हैं तो द्वितीयक में शिक्षण संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक हैं और सांस्कृतिक हैं। तो पहले हम प्राथमिक पर, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका सीधा संबंध किससे होता है? सीधा संबंध उसका परिवार से होता है। परिवार में जैसा उसे सिखाया जाएगा वैसा वो सीखने का प्रयत्न करेगा। यदि छोटा भाई बड़े भाई से का को अब उसके नाम से पुकारता है तो वो भी नाम से पुकारना सीखेगा। हम कहाँ जूते उतारते हैं, कहाँ चप्पल उतारते हैं, किसके किस तरीके से हमें खाना खाना है, कैसे कहाँ बैठेंगे, किस तरीके से व्यवहार करेंगे, ये सारी चीज़ें, सब उचित अनुचित सारा भेद करना हमको परिवार, इसीलिए परिवार को हम क्या कहते हैं? प्रथम पाठशाला कहते हैं, बच्चे की प्रथम पाठशाला। आज के दौर में परिवार की भूमिका थोड़ी अलग हो गई है। बच्चे एक एक हैं, अकेले हैं और ज़िद्दी हो गए, अनुशासनहीन हो गए हैं। हम उन्हें सही गलत में भेद नहीं करा पा रहे। क्या महत्वपूर्ण क्या बात है? उचित पर प्रशंसा करना, अनुचित पर डांटना। और आज क्या हो गया है कि कुछ भी करता रहे वो, चाहे कितना ही नुकसान कर दे, और एकल की वजह से हम उसे कुछ नहीं कहते। इसलिए थोड़ी सी जो हमारे ये संस्थाएं हैं, ये सभी, हालांकि सभी संस्थाओं के रोल नेगेटिव पॉजिटिव हैं, सभी संस्थाएं अपना कार्य उस तरीके से नहीं निभा पा रही जैसे पहले निभाया जाता था, फिर भी हम इन प्राथमिक समूहों में जिनसे उसका सीधा संपर्क होता है। तो सबसे पहले जन्म के बाद उसका सीधा संपर्क किससे आया? फैमिली से आया। और परिवार में जिस तरीके से तौर तरीके बड़े लोग कर रहे होंगे, बच्चा वही, आपने देखा होगा कि यदि बड़ा भाई कहीं पर चप्पल उतार के जाता है तो वो छोटा वही, यदि वो जैसा कार्य करता है वैसा ही वो सीखने का प्रयत्न करता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उसे खेलने की ज़रूरत है, मित्रों की आवश्यकता है। हालांकि आज कोई भी
परिवार न पड़ोस रहे न मित्र समूह रहे, बाहर खेलने जाने का समय नहीं है, पढ़ाई का बोझ है और कोई जाने भी नहीं देना चाहता। यदि पार्क आदि में ले भी जाते हैं तो सब पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को अपने साथ ही रखते हैं। तो मित्रों के समूह से उसने सीखा कि कैसे बांटना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, आदान प्रदान कैसे करना है, नाराज़गी किससे जाहिर करनी है। पड़ोस भी सही भूमिका निभा सकता था, नातेदारी भी भूमिका निभाती है, हमारे जो रक्त संबंधी और विवाह संबंधी हैं वे सभी हमको आचरण के तौर तरीके सिखाते हैं। फिर वो बड़ा हो गया और विवाह हो गया और विवाह में दो परिवारों के मध्य जो भी संस्कार आदि हैं उनको वो सीखता है। अब दौती जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो पहले हमने स्कूल, यही हम प्रथम वाले हिस्से में ही ले सकते हैं, स्कूल विद्यालय, वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो विद्यालय में विद्यालय के तौर तरीके सीखता है। फिर वो बड़ा हो गया तो महाविद्यालय आदि में जाता है, वहाँ वो संयम डिसिप्लिन आदि तौर तरीके सीखता है। फिर वो और बड़ा हो गया और वो व्यवसाय या कार्य आदि भी करने लगा, अपने बॉस से अपने बड़ों से कैसे आचरण करना है ये सीखता है, धार्मिक संस्थाओं से वह पूजा पाठ तौर तरीके प्रार्थना आदि के तौर तरीके सीखता है, राजनीतिक न्याय समानता स्वतंत्रता आदि की बातें सीखता है, और सांस्कृतिक से वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों प्रथाओं परंपराओं भाग लेना नृत्य गीत आचरण लोकगीत इन सब को सीखता है। तो ऐसे हमको पता चला कि समाजीकरण क्या है, आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, ना कोई स्थान है ना कोई जगह ना कोई समय, हम कहीं पर भी चाहे कितने ही बड़े हो जाएं वृद्धावस्था तक हम सीखते ही रहते हैं, किसी से छोटे बड़े किसी से भी सीख सकते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपने पद एवं भूमिकाओं का ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, मैं बहन हूँ कि भाई हूँ, कि मैं चाचा हूँ ता हूँ टीचर हूँ या अधिकारी हूँ क्या हूँ, ये सब उसे पद आदि का भान होता है और उसी पद के अनुसार वो कार्य करना सीखता है। अब सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि ये प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो जहाँ तक मेरा मानना है इस प्रक्रिया को आज समय काल के अनुसार कुछ चीज़ें बदल गई हैं, जल्दी हो गई हैं, बच्चों में विकास जल्दी हो रहा है, तो मेरा मानना है कि ये प्रक्रिया तब प्रारंभ हो जाती है जब बच्चा ये प्रश्न करने लगे कि वो ये कार्य क्यों नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि हम छोटे बच्चे को जब भी कोई मेहमान आता है और हम उसे जब डांटते हैं, वो खाने के नाश्ते के समय वो बीच में आकर चीज़ों को उठाता है और हम उसको डांटते हैं तो वो अड़ जाता है और कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो हमें समझना चाहिए कि अब उसे आवश्यकता है कि हम उसे उचित और अनुचित में भेद करना सिखाएं। और इसमें जो बहुत बड़ा एक रोल है हमारे आयु का वो है किशोरावस्था, इसीलिए हम इसे तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। तो किशोरावस्था जब हम ना बहुत बड़े हैं ना हम छोटे हैं, जब हम तालमेल अनुकूलन बनाने में हमें कठिनाई हो रही है, हमारे कुछ फिजिकल चेंजेज भी हैं, तो सबसे बड़ा रोल इस समय का है और इस समय में पेरेंट्स को और जो भी उसके आसपास हैं उनको विशेष ध्यान की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से समाजीकरण क्या है, सीखने की प्रक्रिया है, आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है और इस ये आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद।